Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to see the minute things about the fraction. Fraction जब आता है ना तो लोगों के हाथ पे ठंडे पड़ जाते हैं, पता है ये फैक्ट है ना। फ्रैक्शन की जब बात होती है ना कि सर फ्रैक्शन आया तो उसका एलसीएम कैसे लेने का, एचसीएफ कैसे लेने का, दो फ्रैक्शन का एडिशन आ गया तब क्या करते हैं, लाइक लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर कि फ्रैक्शन में सर क्या होता है ना। तो आज क्या करेंगे हम इसको फ्रैक्शन को पूरी तरह से अच्छे से समझेंगे। अगली दो तीन चार क्लासेस में फ्रैक्शन के बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि भाई फ्रैक्शन जो है वो एक्चुअल में होता क्या है, है ना, किस भला का नाम और इसको किस तरह से टाला जाए। टाला जाए इन द सेंस भला को टाला जाए, इसका मतलब है किस तरह से उसको सॉल्व किया जाए। इसको बहुत बेसिक से पढ़ेंगे और इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि आज के बाद आपको कभी फ्रैक्शन में कोई तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है। तो फ्रैक्शन की जब हम बात करते हैं तो चलिए देखते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि भाई फ्रैक्शन क्या होता है सर, फ्रैक्शन किससे किससे बनता है। आपको अगर सर फ्रैक्शन बनता है, देखिए अगर मैंने आपको इस तरह से लिखा है 2/3 ना, 2/3 है तो ये क्या है, एक फ्रैक्शन है ना, ये क्या है, एक फ्रैक्शन है, बराबर। अब 2/3 लिखा हुआ है सर, ये एक फ्रैक्शन है, इसमें क्या क्या चीजें होती है। आपको अगर सर ये जो ऊपर वाला नंबर होता है ना, ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, ठीक है। और ये जो नीचे वाला होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सर डिनोमिनेटर, ठीक है, इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक। तो फ्रैक्शन जो है वो दो चीजों से मिलकर बनता है सर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। ये पहली चीज हो गई, फ्रैक्शन बनता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से। अब सर फ्रैक्शन में कौन कौन सी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि फ्रैक्शन जो है ना, फ्रैक्शन इज ऑलवेज इन इट्स लीस्ट फॉर्म मतलब क्या होता है, लीस्ट फॉर्म मतलब क्या होता है, देखिए लीस्ट फॉर्म मतलब ये होता है कि सर मैं 4/8 ऐसा लिख सकता हूँ क्या फ्रैक्शन को, कभी भी है इस तरह से लिख सकते हैं क्या हम लोग 4/8 को इस तरह से लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। आप कहोगे नहीं लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि सर अभी ये और कट सकता है, और कट सकता है किससे, आप कहोगे सर 4 1 जा और 4 2 जा, तो इसीलिए आप इसको क्या लिखते हैं, आप इसको हमेशा लिखते हैं 1/2, दिस इज द राइट साउंड, ठीक है। तो इसे ही हम कहते हैं कि लीस्ट फॉर्म में लिखा जाता है फ्रैक्शन, कभी भी अपने लीस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। फ्रैक्शन हमेशा अपने लीस्ट फॉर्म में ही लिखा जाता है, ठीक है। जहां तक कट सकता है वो आपने काटना ही है, हमेशा हमेशा काटना है आपने, ठीक है। तो ये होगी फ्रैक्शन की बात। दूसरी चीज फ्रैक्शन में और क्या होती है, तो फ्रैक्शन में ये होता है, देखो फ्रैक्शन मैं आपको एक फ्रैक्शन का बहुत प्यारा सा फंडा बताता हूँ, फ्रैक्शन कन्वर्ट कैसे होता है। देखो अगर ये दिया हुआ है एक गोला है, समझो आमिर खान वाला गोला नहीं है, ठीक है, ये एक गोला है, ठीक, और सर इसके पार्ट से समझो, ठीक ये हो गया, ठीक है। हाँ आप देखिए, अगर अगर मैंने यहां लिखा है सर ये ए है, है ना, अच्छा ए रहने दीजिए, कोई बात नहीं, ये 1 है, 2 है,
थ्री है और ये फोर, ठीक है। तो टोटल टोटल ये जो फिगर है ये कितने पार्ट्स में बटा हुआ है? आप कहोगे सर फोर पार्ट में बटा हुआ है, फोर पार्ट में बटा हुआ है ना, फोर पार्ट में बटा हुआ है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि सर ये इसको अगर फ्रैक्शन में बनाएंगे तो ये जो रेड वाला पोर्शन है, रेड वाला पोर्शन है वो क्या कहलाएगा? आप कहोगे सर रेड वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, तो ये 1/3 हो जाएगा या 1/4 हो जाएगा, आपको ये बताना है ना। 1/3 हो जाएगा या 1/4 हो जाएगा? देखिए ये 1/4 होता है। क्यों होता है, क्यों होता है? क्योंकि सर टोटल कितने पार्ट हैं? टोटल फोर हैं, टोटल फोर हैं, उसमें से एक पार्ट है फोर, वन आउट ऑफ फोर। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4, ठीक है। अगर मैंने अगर आपको बोल दिया कि सर ये दोनों अगर मिला दें, ये दोनों मिला दें तो क्या फ्रैक्शन बनेगा? तो आप बोलोगे सर ये दो पार्ट है और टोटल कितने पार्ट हैं इसमें, इस पूरे फिगर में? तो आप कहेंगे चार पार्ट है, टोटल चार है, है ना। तो इसका फ्रैक्शन अगर मैंने बनाना है तो क्या बनेगा? आप कहोगे सर ये हो जाएगा 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे कि ओवरऑल कितना है और उसमें से कितना पार्ट है, ठीक है। तो इस चीज को ये इससे क्या प्रूफ होता है कि सर नीचे जो भी वैल्यू लिखी है ना, जैसे मैंने लिखा है 2/5 अगर मैंने लिखा है तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि सर ओवरऑल पांच पार्ट है। ओवरऑल कितने पार्ट है? पांच पार्ट है और इस पांच पार्ट में से ये दो ही है ना। हाँ, तो ओवरऑल पांच है उसमें से दो यूनिट इसके हैं, ठीक है, मतलब 2/5 हो गया। तो ये होता है आपका फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखते हैं फ्रैक्शन में और क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहली चीज टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या है भाई? टाइप ऑफ फ्रैक्शन तो सबसे पहला टाइप इसमें होता है वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। एक काम करते हैं इसको आपको टेबल से बताते हैं। चलिए तो पहला होता है, फर्स्ट होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और तीसरा होता है मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। तीसरा होता है मिक्स फ्रैक्शन। आप देखिए क्या क्या चीजें होती हैं इसमें। प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है ना, इसमें हमेशा न्यूमरेटर जो है वो छोटा होता है और डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होता है, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में आप देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा, ए बी अपॉन सी, ये इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा एक से छोटी होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू एक से बड़ी होती है और मिक्स फ्रैक्शन की वैल्यू भी एक से बड़ी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जांपल की, तो एग्जांपल देख लें। इसका एग्जांपल आप देखेंगे तो 2/5 या फिर 5/7 And so on. इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा सर 9/4 या फिर 11/9 and so on. इसकी बात करें तो ये आपको इस तरह से दिखेगा 2/1/2, 4/1/2 and so on. तो तीन तरह के फ्रैक्शन होते हैं
पहला होता है प्रॉपर, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, इसकी वैल्यू हमेशा वन से छोटी होती है। देखिए फ्रैक्शन का जो इन्वेंशन हुआ था ना, वो भी किस चीज के लिए हुआ था, वो इस चीज के लिए हुआ था कि हमको एक से छोटी वैल्यू जो है उसके बारे में निकालने के लिए फ्रैक्शन का इन्वेंशन हुआ था। ठीक है, एक से छोटी वैल्यू, ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर कहते हैं, है ना, एक से छोटी वैल्यू, तो इसलिए प्रॉपर जब होता है तो क्या होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। ठीक है यहाँ तक। और एक और चीज बता दें आपको कि ये प्रॉपर क्यों कहते हैं इसको हम लोग, देखो प्रॉपर क्यों कहते हैं, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको समझाते हैं। मैंने अगर यहाँ लिखा है 2/5, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सर मेरे पास 5 रुपए थे, उसमें से मैंने क्या किए, 2 रुपए दे दिए। बात तो सही है ना, 5 रुपए थे उसमें से 2 रुपए दे दिए, बात बिल्कुल वाजिब है। अब अगर यहाँ मैंने लिखा 5/2, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, तो सर मेरे पास 2 रुपए थे उसमें से मैंने 5 दे दिए, ये तो गड़बड़ हो गया है ना, ये तो गड़बड़ हो गया। बस इसी चीज को यहाँ से समझना है सर, ये जो है ना इसीलिए प्रॉपर है, और ये जो है इसलिए क्या है, इम्प्रॉपर है, ठीक है ना, इससे आप समझ जाएंगे प्रॉपर क्या है और इम्प्रॉपर क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा आता है मिक्स फ्रैक्शन। भाई मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, अगर मैंने यहाँ लिखा आपके लिए बड़ा बड़ा लिखता हूँ समझाने के लिए, सर 2/1 ये लिखा है ना, 2/1, हाँ तो 2/1 को सर सबसे पहले तो ये कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अगर इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, तो ये मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को आता होगा क्या, सर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं इधर, तो 2 का कितना हो गया आपका, हो गया 4, उसके बाद इसके साथ क्या है उसको प्लस कर देते हैं, तो 4+1 कितना हो गया 5, तो इसको हम लिखते हैं 5/2, बराबर है ना, 5/2 एकदम सिंपल। ठीक है, तो ये इसको इस तरह से सॉल्व किया जाता है। अब सवाल ये है, सवाल ये उठता है कि भाई ये यहाँ पर साइन कौन सा होता है, जो मिक्स फ्रैक्शन होता है उसके बीच में साइन कौन सा होता है, तो मिक्स फ्रैक्शन के बीच में यहाँ पर कौन सा साइन होता है, यहाँ पर बहुत से लोगों से आप पूछेंगे बोलेंगे सर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे हो सकता है, मल्टीप्लाई का साइन पॉसिबल है, पॉसिबल है, चलो अगर आप कहते हो कि सर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है तो मैं आपको मल्टीप्लाई का साइन रख के सॉल्व करके दिखाता हूँ। आपने कहा कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया 2 × 1/2 लिखा है, तो सर ये तो मल्टीप्लाई है तो क्या होगा, ये इससे कट जाएगा, ये टोटल कितना आ गया वैल्यू, 1 आ गया, और यहाँ पे क्या दिया है 2/1/2 से तो ज़्यादा ही है ये वैल्यू, ये तो गलत हो गया, इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई का साइन नहीं हो सकता है, बराबर है, मल्टीप्लाई का साइन पॉसिबल ही नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन रखेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए कौन सा साइन होगा, प्लस का साइन होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो साइन होता है वो होता है प्लस का साइन। देखिए 2/1/2 लिखा है, इसका मतलब ये है 2+1/3, ठीक है, 2+1/2, ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन मतलब यही होता है, ये 2+1/2 होता है ना, सिंपल से। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 4/1/4 है ना, इसका मतलब क्या हो गया, आप बोलोगे सर 4+1/4, और जब भी इस तरह से एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन को आप सॉल्व करते हैं, ये होल नंबर है और ये फ्रैक्शन, इसको सॉल्व करने का बेस्ट वे क्या होता है, इसको अगर आपको एक फ्रैक्शन में लिखना है तो क्या करेंगे, कहोगे सर इसको ना इससे क्रॉस मल्टीप्लाई,
फोर फोर जा कितनी, देखो फोर इंटू फोर हो गया प्लस ये वन ऐसे का ऐसा रहेगा और डिवाइडेड बाई यही वैल्यू नीचे आ जाएगी, कितना हो गया आप बोलोगे 16 प्लस वन डिवाइडेड बाई फोर विच मीन 17 बाई फोर। ये आगे कटने वाला है नहीं कटने वाला है, तो यही आपको क्या होगा डिजायर्ड फ्रैक्शन। ठीक है और करते हैं इसको। ठीक है मैंने लिखा अगर 5 प्लस 2/3 तो क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो अब लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 3 बीच में प्लस का साइन है ये 2 और नीचे यही आ जाएगा 3। इसको सॉल्व किया तो कितना हो गया आप बोलोगे 15 + 2/3 मेरा आंसर कितना हो गया 17/3। ठीक है 17/3। इसी तरह से अगर माइनस आ जाए तो क्या करना है सर, देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 9 − 1/2 है ना, तो क्या करेंगे ये साइन जैसा है वैसे ही रहने वाला है, ये अपना फंडामेंटल से 9 × 2 = कितना हो गया आप लोग 9 × 2 = 18 माइनस ये 1 और ओवरऑल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। 9 × 2 = कितना होता है 18 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 17। ठीक है ये हो गया 17/2 क्लियर है। तो इस तरह से अगर होल नंबर के साथ ही आता है तब आपने ये सॉल्व करना है। अब देखिए 1 जो होता है ना 1 का अपना अलग ही स्वैग होता है इस केस में। कैसे सर 1 के साथ कभी देखिए अगर मैंने लिखा 1 2/3 ना 1 2/3 इसका मतलब क्या है कि 1 + 2/3 है ना, मतलब क्या है 1 + 2/3 है ना, यही मतलब है इसका। तो आप इसको नॉर्मल वे में भी सॉल्व कर सकते हो जैसे मैंने आपको सिखाया क्या कि सर इसको इससे मल्टीप्लाई करो 3 × 3 + 2 / 3 कितना हो गया आप बोलोगे 5/3 है ना। हाँ अब इसका इसका जो है ना 1 का स्वैग ही अलग है। क्या 1 का स्वैग है, कभी भी 1 के साथ कोई नंबर नहीं, जैसे 1 + 5/7 तो 1 के केस में ये होता है। अगर 1 है 1 के साथ में कभी भी अगर प्लस करना हो तो इसको पूरा आपको ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे इसमें इसमें डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को ऐड करके ऊपर लिख देंगे और ये डिनोमिनेटर कभी चेंज नहीं होता क्योंकि आपको मैंने बताया था डिनोमिनेटर हमेशा अपने ओरिजिनल वैल्यू को डिनोट करता है। ठीक है तो 7 + 5 कितना होगा आप बोलोगे सर 7 × 12 होता है तो नीचे 7 का 7 रहेगा तो दिस इज माय डिजायर्ड आंसर, दिस इज माय डिजायर्ड आंसर। जैसे अगर मैंने आपको लिख दिया 1 + 11/13 है ना, तो इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे चुपचाप इसको इससे ऐड कर देंगे ये कितना हो जाएगा आप बोलोगे सर 24/13 ये मेरा आंसर है। बड़े से बड़ा नंबर सॉल्व होता है इससे और इसलिए आपको मैं ये सिखा रहा हूँ कि अगर आपको इस तरह से देता है कभी 111 डिवाइडेड बाई आपको दे देता है 1 2 3 ठीक है 1 2 3 तो क्या करेंगे इसको तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं है इसमें नीचे वाले से ऊपर वाले को बस ऐड करना था ना, तो आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आप बोलोगे 2 3 4 / 1 ठीक है क्लियर है इतना यस क्लियर। हाँ अभी देखिए ये जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है क्या मैं इसको ऐसा कैसे लिखूं
या ये और कट सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि वो चीज तो भूलनी ही नहीं है कभी है। सर 2 3 4 इसका सम होता है 9, 1 2 3 का सम होता है 6, मतलब दोनों क्या होगा 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, बराबर है ना। हाँ 3 से डिविजिबल है तो 3 से इसको काटेंगे, तो 3 से कितने बार कटेगा, तो बोलोगे सर 3 से ये कटेगा पहली बार में 3 7 21 है ना, 21 बचा 2 24, तो ये 8 हो गया, ठीक है 8 हो गया, और 3 से ये कितने बार कटेगा, आप बोलोगे सर 40, ठीक है क्लियर है इतना। तो ये आपका डिजायर्ड फ्रैक्शन है, ये तो हमेशा ही याद रखना है आपको कि सर अगर नीचे से ऊपर कुछ भी कट रहा है तो हमेशा उसको क्या करना है, हमको अपने लीस्ट फॉर्म में ही उसको लिखना होता है, तो कोई बात नहीं है उसको, ठीक है ना, लीस्ट फॉर्म में ही लिखना होता है। क्लियर है, ये हो गया 1+ का, वन प्लस मोबाइल के बाद नहीं करना भाई, है ना, 1 के साथ प्लस होगा। सिमिलरली क्या होता है, अगर आपको कभी भी 1 माइनस किया हुआ है 5/7 और आपको इसको निकालना है, तो बिल्कुल पिछले वाले की तरह इसका भी एकदम सिंपल है सर, इससे इसको माइनस, 1 के साथ जब भी माइनस होगा ना तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को माइनस को दो, 7 - 5 2 होता है, और आपको पता है नीचे वाला कभी चेंज नहीं होता, क्या हो जाएगा 2/7 हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मैंने अगर लिख दिया सर 1 - 14/15 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सीधे देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है सर, इससे इसको माइनस कर देते हैं, ये बचा 1 नीचे 15, ये मेरा अच्छा, ये काम कहाँ पर आता है, देखिए काम कहाँ पर आता है, कहीं कहीं पर ना आपको बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़ जाते हैं फ्रैक्शन के केस में, तो ये वहाँ पे काम आएगा। जैसे मैंने आपको, आपने कोई आंसर निकाला, ठीक है, आपने एक फ्रैक्शन सॉल्व किया और एक आंसर निकाला जिसकी वैल्यू आ रही है कितनी, 2 5/7 2 5/7, लेकिन आपके पास जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन है आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक, पहला ऑप्शन है 1 1 11/7, दूसरा ऑप्शन है 1 12/7, तीसरा ऑप्शन है 1 13/7, चौथा ऑप्शन है 1 15/7। तो आप कहोगे सर ये तो हमारा तो जो निकाला आंसर वो इस तरह से आ रहा है, अब क्या किया जाए, है ना, अब क्या किया जाए, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका जो है वन वाला काम आता है, क्यों, क्योंकि देखो ये 2 5/7 लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप कहोगे सर 2 + 5/7 यही है ना, 2 + 5/7, और सर इसका मतलब अगर 2 + 5/7 तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ कि 1 + 1 + 5/7 लिख सकता हूँ मैं, तो सर बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते जा सकता है इस तरह से लिखा जा सकता है 1 1+5/7, ठीक। अब यहाँ पर 1 + 1 5/7 लिखा हुआ है, तो सर इससे मैं डायरेक्टली वैल्यू निकालता हूँ, इससे मैं डायरेक्टली वैल्यू निकालता हूँ, क्या होगा सर, प्लस है 1 है तो इससे इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12/7, तो इस पीरियड वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 12/7, और पीछे क्या था 1, उसके बाद था प्लस, आपको पता है 1 प्लस है, 1 के साथ प्लस है, इसको आप बिल्कुल इस तरह से लिख सकते हैं ना 1 12/7, इसको क्या करना है, सिर्फ इसको हटा के इसको चिपका देना है, तो आपने चिपका दिया, आपकी वैल्यू कितनी आ गई 1 12/7, आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा डी। तो ये आपने हमेशा ध्यान देना है कि भाई ये किधर से आ रहा है, ठीक है, 1+ वाला जो है ना ये आपको हमेशा समझ के लेना, 1+ वाला, ठीक है, 1+ वाला आपको हमेशा समझ के लेना, क्लियर, यस, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि 1 दिखाई देता है या, तो ये हो गई फ्रैक्शन की बात, अब आगे आ जाते हैं इसमें सर फ्रैक्शन में और क्या क्या चीजें होती है, देखिए पहली चीज आपको फ्रैक्शन में क्या होगा, टाइप 1 आपको दिखाते हैं, टाइप 1 फ्रैक्शन, टाइप
टाइप वन क्या है सर? जब आपके टाइप वन क्या है आपको दिया हुआ है सर, 1/4 प्लस 3/4 1/5 प्लस 2/5। अब इन दो फ्रैक्शन को क्या करना है आपने, ऐड करना है। तो जब भी फ्रैक्शन के एडिशन की बात होती है तब हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन के एडिशन की जब भी बात होगी तो आपने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर होता है ना, डिनोमिनेटर का आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके उसको डिनोमिनेटर में रखना होता है। तो एक चीज याद रखेंगे, जब भी डिनोमिनेटर दोनों सेम होगा, डिनोमिनेटर दोनों सेम होगा तो इसका एलसीएम भी यही नंबर होता है, ठीक है, इसका एलसीएम भी यही नंबर होता है। आपने देखा डिनोमिनेटर दोनों का 5 है तो इसका एलसीएम भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका डिनोमिनेटर में। इसके बाद जब डिनोमिनेटर सेम होता है ना तो ऊपर जो जो वैल्यूज है वो रख देंगे साइन के साथ। मतलब यहाँ पे क्या था, आप बोलोगे सर यहाँ पे 1 था तो इस 1 को ऐसा ही रख दिया, इसके बाद प्लस का साइन था ऐसा रख दिया, 2 को ऐसा रख दिया, सॉल्व किया तो कितना आ गया 3/5, ठीक है, क्या रख दिया 3/5 आ गया। इस तरह से आपको इसको ऐड करना है, ओके, और करेंगे, डोंट वरी, इसको भी और करते हैं। अभी दूसरा सवाल है, देखिए अगर मैंने आपको इस तरह से कह दिया सर 5/7 माइनस 2/7, फाइव बाई सेवन और 2/7, सर आपने बताया था कि डिनोमिनेटर जो है ना अगर दोनों सेम है तो क्या होगा, यही आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसका एलसीएम इतना ही होगा। इसके बाद जो चीज़ें जैसी दी हैं ऊपर वैसी की वैसी रख देंगे। तो यहाँ पे 5 था तो 5 रख दिया, साइन माइनस था तो माइनस रख दिया, और ये 2 ऐसा था 2 रख दिया, तो सॉल्व किया तो कितना आ गया, आप बोलोगे 3/7, ये क्या हो गया मेरा फ्रैक्शन का सबट्रैक्शन हो गया। और अगर 3 भी होगा तब भी आपने यही करना है, 3 होगा तब भी आपने यही करना है। देखिए अगर आपको लिख दिया 5/9 प्लस 8/9 माइनस 7/9, तो ये क्या हो गया, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले तो मैं डिनोमिनेटर देखूंगा, डिनोमिनेटर क्या है मेरे तीनों सेम है तो इसका एलसीएम भी क्या होगा, तो सर यही इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। इसके बाद क्या करना है सर, ऊपर जो जैसा दिया है वैसा रख देंगे, सर 5 था तो 5 रख दिया, उसके बाद साइन प्लस था तो प्लस रख दिया, 8 था तो 8 रख दिया, माइनस साइन था तो माइनस, सर 8 × 7 = 5 = 6 / 9, मैं 6/9 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 6/9, आप बोलोगे नहीं सर ऐसी कैसी बात कर रहा हो आप, तो आपको काटना पड़ेगा, तो 3 × 2 जाएगा, 3 × 3 जाएगा, तो आंसर क्या होगा, आप बोलोगे 2/3 डिजायर्ड फ्रैक्शन। पहला टाइप बहुत अच्छे से समझ लेंगे, नीचे डिनोमिनेटर अगर सारे सेम है, नीचे डिनोमिनेटर अगर सारे सेम है तो वही उसका एलसीएम लेंगे, और उसका एलसीएम क्या आता है, वही उसका एलसीएम आता है सर, और कुछ नहीं, ठीक है ना, वही उसका एलसीएम आने वाला है, बड़ी बात है। ये एक चीज हो गई, ये हो गया आपका टाइप वन, जब दोनों डिनोमिनेटर सेम। अब टाइप टू आ जाएगा, टाइप टू क्या कहता है, टाइप टू में क्या होगा, टाइप टू में आपको इस तरह से पूछेगा,
इसमें अगर आपको इस तरह से दिखाई दिया सर 1/2 प्लस 1/3, ठीक है। लेकिन मैं 1 से नहीं लेता हूँ, 1 से लेने से क्या होता है लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, कैसे लेता हूँ, ठीक है। ये ले लिया मैंने 5/2 प्लस 2/3, अब ये आपको ऐड करना है, ये आपको ऐड करना है। चलो मैं इसका आपको इधर थोड़ा बड़े में लिख के दिखाता हूँ, बाद में इसको मिटा लेंगे हम लोग। आपने काफ़ी जगह ये देखा होगा, ये 5/2 प्लस 2/3, तो काफ़ी जगह आपने देखा होगा ऑनलाइन में या यूट्यूब में लोग ऐसे ट्रिक बताते हैं। क्या ट्रिक बताते हैं बताऊँ आप, देखो वो कैसा ट्रिक बताते हैं मैं आपको बताता हूँ, इस तरह से ट्रिक बताते हैं आपको, वो इस तरह से ट्रिक बताएंगे सर 1/2 प्लस 1/3 करना है तो आपको कुछ नहीं करना होता है। क्या करना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो, 3×2=6 होता है, और इन्हीं दोनों को ऐड करके ऊपर लिख दो तो 5/6 आपका आंसर आ जाता है। एक सेकंड में आप आंसर निकाल लेते हैं, ये वो है ना, मेरे हम देखिए आपसे कहते हैं, लेकिन भाई साहब ये जो है ना ऐसे ट्रिक्स आप कभी भी देखो ना कहीं पर भी, तो हमेशा क्या है उसको आप क्रॉस चेक कर लेना, क्या ये हर नंबर पे फॉलो होता है, क्या ये हर नंबर पे फॉलो होता है या नहीं होता है। तो यूजुअली क्या होता है, ऐसा नहीं होता है कि हर नंबर पे फॉलो, ठीक है। तो ये भी उसी तरह का एक ट्रिक है जो हर नंबर पे फॉलो नहीं होता है। मैं इस पे आऊँगा, इससे पहले मैं आपको ये समझाऊँगा, ठीक है। यस, इसको हम ऐसे ही रखेंगे अभी, इसको छेड़ेंगे नहीं, इसको हम ऐसे ही रखते हैं फिलहाल आपके लिए, ठीक है। ये ट्रिक कहाँ चाहिए और उसकी क्या लिमिटेशन है आपको दिखाऊंगा, पहले ये देखते हैं सर। ये अगर जिस तरह से आएगा ना, तो हमने क्या देखा कि इसमें ना सर ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है, आपने बोला था इसका एलसीएम लेना है ना, नीचे वाले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। तो सर नीचे अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 और 3 में कुछ कॉमन है क्या, नहीं, 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो सर इनका मल्टीप्लीकेशन ही इनका एलसीएम हो जाता है ना, इनका मल्टीप्लीकेशन इनका एलसीएम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा एलसीएम, तो बोलोगे 2×3=6, ठीक है। तो जो इसका एलसीएम आएगा वो कहाँ पे आएगा, आप बोलोगे सर वो नीचे आता है, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अब इसके बाद सर ऊपर कौन सा नंबर था, ऊपर कौन सा नंबर है, ऊपर कौन सा नंबर है, वो सर ऊपर नंबर है 5, तो इसको यहाँ लिख देंगे 5×, क्या मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए आप सर, इसके डिनोमिनेटर में जो नंबर है ये 2 ना, आपने इन दोनों का क्या लिया है, एलसीएम लिया है, उस एलसीएम को आपने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब ये 5 को यहाँ पे आपने लिखा, इसके बाद इसमें क्या मल्टीप्लाई होगा, देखिए इसके डिनोमिनेटर में जो नंबर है इसमें क्या मल्टीप्लाई करने पे आपका एलसीएम आ रहा है, क्या मल्टीप्लाई करने पे आपका एलसीएम आ रहा है, आप बोलोगे सर 2×3 करने पे मेरा एलसीएम आ रहा है, तो इस नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई कर, ठीक है। इसके बाद था प्लस, और ऊपर क्या नंबर है, अब लोगे नंबर है 2, तो इसको ऐसे लिख दिया मल्टीप्लाइड। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है, तो अब लोगे सर इसके नीचे जो डिनोमिनेटर है ना, ये 2 के नीचे जो डिनोमिनेटर, इसमें क्या मल्टीप्लाई करने पे मेरा एलसीएम आया था, तो अब लोगे 3×2 करने पे मेरा एलसीएम आया था, तो मैं क्या करूँगा इसको यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, इसको मैंने सॉल्व किया तो क्या आएगा, आप बोलोगे सर ये 5×3=15 प्लस 4/6 मतलब कितना हो गया 19/6, क्लियर है, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, जो नीचे आपके नंबर से उसको देखना है, इसका एलसीएम लेके यहाँ पे लिख दिया आपने 6, ठीक है, और ऊपर जो नंबर था उसको यहाँ पे लिखा, इसमें मल्टीप्लाई करना, क्या मल्टीप्लाई करना है सर, जो इसके डिनोमिनेटर में ना इस पर क्या मल्टीप्लाई करने पे हमारा एलसीएम आ रहा था, आपका हो गया 3, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें इस क्या मल्टीप्लाई करने पे एलसीएम आ रहा था 2, यहाँ पे लिख दिया ऊपर का नंबर जैसे जैसे ऊपर का मल्टीप्लाई, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाएंगे ना, देखिए यहाँ पे सब गड़बड़ हो जाएगा सर, यहाँ तो 1 1 था, यहाँ पे बोला था कि इनको मल्टीप्लाई करके 6 लिख दिया और इनको प्लस करके 5 लिख दिया, तो ये आ रहा था क्या, आप बोलोगे नहीं यहाँ तो सर हमारा 19/6 आ रहा है, यहाँ तो 5/6 आ रहा है, तो ये गलत हो गया ना,
ये कहाँ पे होता है, ठीक है, मतलब आपको बताएं इसको ध्यान से देखिए कहाँ पे ये ऐसा क्यों आता है ये बता देते हैं। तो यहाँ पे भी आपने किया है कि इन दोनों का एलसीएम लिया तो 3 2 कितना आ गया, नीचे 6 आ गया सर, ठीक नीचे 6 आ गया। इसके बाद क्या बताया सर आपने, ऊपर कौन सा नंबर है, 1 है, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, आपने बोला सर ये जो नंबर है ना इसके नीचे, इसमें क्या मल्टीप्लाई करने पे एलसीएम आ रहा था, आप बोलोगे इंटू 3, उसको हमने यहाँ इंटू 3 कर दिया, ठीक है। अब प्लस इसके ऊपर क्या नंबर था सर, 1 था, 1 लिखा इंटू, इंटू के बाद सर इसके नीचे जो नंबर है इसमें क्या मल्टीप्लाई करने पे एलसीएम आ रहा था, बोलोगे इंटू 2, तो ये इंटू 2 लिखा। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा ये जो है क्या आ रहा है, 3 × 1 = 3 हो गया, प्लस 2 × 1 = 2 हो गया, डिवाइडेड बाई 6 मतलब 5/6। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे, कोई भी ट्रिक आप कभी भी देखें तो उसको आप क्रॉस चेक ज़रूर करें, है ना। ऐसे ही ब्लाइंडली किसी ट्रिक को कभी फॉलो नहीं करना, चाहे वो कोई भी बताए चाहे मैं भी बताऊँ आपको, है ना। कभी अगर मैंने भी आपको कोई ट्रिक बताई है तो उसको कभी भी ब्लाइंडली ऐसे फॉलो नहीं करना, क्रॉस चेक करके आप उसको देखना हमेशा सर क्या ये सब पे एप्लीकेबल है ना? यहाँ पे ये चीज एप्लीकेबल थी क्यों, क्योंकि ऊपर जो नंबर थे ना, ऊपर जो नंबर थे वो क्या थे, 1 थे, और इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस तो यही नंबर आने वाला, इसलिए इसमें बैठ गया था। लेकिन यहाँ पे हमने देखा सर यहाँ नंबर दूसरा था, इसलिए इससे इसको मल्टीप्लाई किया, तब जाके क्या है आपका, ठीक है, इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे। इसमें और एक दो नंबर देख लें, चलो देख लेते हैं फटाफट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सर मैंने आपको बोल दिया कि सर 5/3 माइनस 2/5 कर दिया, तब क्या करेंगे इसमें भी, तब भी सर हमारा फंडामेंटल सेम रहेगा, नीचे कुछ भी सेम नहीं है, क्या करेंगे इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा इनका मल्टीप्लीकेशन हो गया, 15 हो गया, ऊपर नंबर क्या दिया हुआ है, ऊपर नंबर सर 5 था, 5 यहाँ लिख देंगे इंटू, इसके नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 3 है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करने पे एलसीएम आ रहा था, आप बोलोगे इंटू 5 करने पे, उसको इंटू 5 कर दिया, माइनस 2 इंटू, ये 2 के नीचे क्या है सर 5 है, इसको क्या मल्टीप्लाई करने पे आ रहा था, आप लोग इंटू, आपने इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 25 − 6/15, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 19/15, ठीक है 19/15, ये भी चीज। अब इसकी एक और ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको जानबूझ के नहीं बता रहा था अभी, पहले आप बेसिक्स में, बेसिक क्या है, कभी भी ऐसे नंबर्स आते हैं ना, जैसे आपको दिया है 5/3 − 2/5, है ना, तो जब भी आपको ऐसा दिखे, जब भी आपको ऐसा दिखे कि सर ये और ये इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या करते हैं, सिंपल है सर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देते हैं, ठीक है, और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 5 कितना हो गया, 5 × 5 − 3 × 2, तो ये हो गया 25 − 6, ये कितना हो गया 19/15, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। अब तीसरी चीज क्या है कि सर अभी तक तो हम नंबर्स ऐसे ले रहे थे जो क्या थे,
दो दो नंबर्स थे है ना, और एक तो कॉमन था, दोनों में सेम था, और दूसरा दोनों में सेम नहीं था। अब आ जाता है टाइम। टाइप थ्री क्या कहता है? टाइप थ्री कहता है कि सर नंबर अगर इस तरह से आ जाए कि 2/5 प्लस 4/10 तब हमने क्या करना होता है? तब हमने इसका एलसीएम लेना होता है। तब हमने इसका एलसीएम लेना होता है। हर बार हम एलसीएम ही ले रहे हैं। हाँ, अब यहाँ पे तो प्रॉपर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर दोनों में कॉमन है। क्या कॉमन है? दोनों में सर कुछ तो कॉमन है ही, है ना? इसमें 5 है, इसमें 5 × 2 है। तो आपने एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने का फंडामेंटल मैंने आपको बताया था हमारी एलसीएम की क्लासेस में। क्या बताया था एलसीएम की क्लासेस में? कि सर हम हमेशा क्या करते हैं, बड़े नंबर को देखते हैं। अगर बड़ा नंबर छोटे नंबर से पूरी तरह से डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल, तो यही हमारा क्या हो जाता है? एलसीएम हो जाता है। यही हमारा एलसीएम हो जाता है ना? ये आपको एलसीएम की क्लासेस में बताया है। तो 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो ये बड़ा नंबर देखिए 10, ये छोटे वाले से पूरी तरह से जाता है, तो यही 10 क्या हो जाएगा? हमारा एलसीएम हो जाएगा। 10 हमारा एलसीएम हो जाएगा। 10 हमारा एलसीएम हो जाएगा। उसका फिर से वही फंडामेंटल है हमारा। हमारा फंडामेंटल एकदम सेम रहता है। क्या सर ऊपर कौन सा नंबर था? 2। ये इधर ही रहेगा इंटू, इसमें क्या मल्टीप्लाई होने वाला है? इसके नीचे जो नंबर है 5, इसमें क्या मल्टीप्लाई करने का एलसीएम आ रहा है? बोलोगे इनटू 2 प्लस यहाँ कौन सा नंबर था? 3 मल्टीप्लाई कर, नीचे कौन सा नंबर है? 5, इसमें क्या मल्टीप्लाई करने का एलसीएम आ रहा है? आप बोलोगे इनटू 1 इनटू 1, तो कितना हो गया? 4 प्लस 3 बाई 10 आंसर कितना आ रहा है? 7/10। ठीक है, यस, सिंपल सा था, इसमें और कुछ नहीं। और देखते हैं, अगर मैंने लिख दिया 7/5 माइनस 3/20, 7/5 माइनस 3/20, तो कैसे सॉल्व होगा ये? अब लोग सर सिंपल, पहले तो मैं ये देखूंगा भाई इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा। आप बोलोगे सर बड़ा नंबर है छोटे नंबर से पूरी तरह से डिविजिबल है, तो यही मेरा एलसीएम हो जाएगा 20। यस सर, इसके बाद सर यही फंडामेंटल है। ऊपर कौन सा नंबर है? 7। यहाँ पे मेरा 7 इंटू, इसमें क्या मल्टीप्लाई करने के लिए एलसीएम आ रहा था? आप बोलोगे 5 × 4 = 20 होता है, माइनस ऊपर का नंबर है 3 इंटू, इसमें क्या मल्टीप्लाई करने के लिए मेरा एलसीएम आएगा? तो बोलोगे 1। तो सॉल्व किया तो कितना हो गया? 28 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 20, 28 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 20, ये हो गया सर 25/20, और कटेगा 5 × 5 = 5, 4 × 4, तो मेरा जो डिजायर्ड फ्रैक्शन है वो क्या आएगा? आप बोलोगे ठीक है, यस। तो ये एलसीएम लेने की बात है। अब एक और चीज होती है जो हमने देखा था पहले, क्या था कि सर अगर यहाँ दिया है 3/4 और प्लस 7/10, अब यहाँ पे सर इसका एलसीएम लेना है ना, यहाँ पर भी क्या करना है आपने, दोनों का एलसीएम लेना है। यहाँ पे एलसीएम कैसे लेते हैं सर? यहाँ पे एलसीएम कैसे लेते हैं? देखिए दो तरीके, यहाँ पे मैंने दोनों तरीके आपको सिखाए है ना। इन दोनों में क्या क्या, इसके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं ना। देखो 4 और 10 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 4 और 10 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 4 और 10 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या है यहाँ पे? सर यहाँ पे 2 × 2 है, यहाँ पे क्या है? 2 ×
चलिए सबसे छोटा सा क्वेश्चन, अब कौन सा नंबर दोनों में कॉमन है, आप बोलोगे टू दोनों में कॉमन है, इसको बाहर निकाले, ये हो गया इंट, बाहर निकल गया, ये कैंसिल हो गया, जो दोनों में कॉमन रहेगा वो एक ही बार काउंट होता है। इसके बाद क्या बच गया बोलोगे सर, इसके बाद ना, इसके बाद ये बच गया टू और ये बच गया फाइव, जो जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया फाइव हो गया ट्वेंटी, मेरा एलसीएम है ना। ये पहला वे आउट है। दूसरा वे आउट क्या होता है इसका, दूसरा वे आउट ये होता है कभी भी हम हमेशा बड़े नंबर को देखते हैं, बड़ा नंबर क्या है, तो 10 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है, पहला मल्टीपल जो 4 से डिविजिबल होगा, तो 10 के बाद क्या आता है टेबल में 20, क्या 20 4 से डिविजिबल है, आप कहोगे हाँ सर, यही क्या हो गया मेरा एलसीएम, सिंपल है ना। बस उसके बाद तो कहानी सेम, सर नीचे 20 आ गया, ऊपर पर क्या नंबर है 3, इंटू 4 में क्या मल्टीप्लाई करने पे एलसीएम आ रहा है, आप बोलोगे 5 प्लस ऊपर नंबर है 7, इंटू 10 में क्या मल्टीप्लाई करने पे एलसीएम आ रहा है, आप बोलोगे ये कितना हो गया 15 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 20, ये हो गया 19 डिवाइडेड बाय, ये आपका बन गया ऑप्शन। इस तरह से हमको चीजों को सॉल्व करके आगे बढ़ना। अब तीन आ गया तब क्या करेंगे, तीन आ गया, तीन में भी कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, देखिए कल लिख दिया मैंने 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/6, तो चीजें जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर है। सर ये जो तीनों नंबर है ना नीचे, तीनों का एलसीएम लेना है, 2, 4 और 6, सबसे अच्छा तरीका क्या है, मैं सबसे बड़े नंबर को देखता हूँ 6 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जिससे दोनों जाता हो 2 और 4, मल्टीपल मतलब क्या होता है टेबल, 6 के बाद क्या आता है टेबल 12, दोनों से जाता है, हाँ सर 2 से भी जाता है 4 से भी जाता है, यही क्या हो जाएगा मेरा एलसीएम ना, यही मेरा एलसीएम हो जाता है। ऊपर क्या क्या नंबर्स हैं देखिए, आप लोग 1 था 1 इंटू 2 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा एलसीएम आ जाएगा, आप लोग 6 प्लस ऊपर नंबर है 3 इंटू इसके नीचे 4 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा एलसीएम आएगा, आप लोग 3 प्लस ऊपर नंबर है 5 इसके नीचे 6 है, 6 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आ जाएगा, तो 1 इंटू 6 6 प्लस 3 इंटू 3 ठीक है, ये आपका डिजायर्ड फ्रैक्शन हो गया। तो इस तरह से हम चीजों को सॉल्व करते हैं व्हेन इट कम्स टू द फ्रैक्शन। आपने हमेशा ध्यान देना है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन जब भी करना है तो हमको हर बार क्या लेना होता है, नीचे जो है ना वैल्यू नीचे, उसका हमने हर बार उसका हमने एलसीएम लेना होता है, उसका हमने एलसीएम लेना होता है, ठीक है। यस अब ये हो गई चीजें फ्रैक्शन एडिशन और आगे जो क्लास है उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम और चीजों को सॉल्व करते हैं, जैसे इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा है ना, मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन होगा, और इसमें मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन प्लस इसमें आपको आने वाला है मल्टीप्लिकेशन। तो फ्रैक्शन में जो चीजें आज हमने देखी है वो आपको याद रखनी है, वो ये है कि सर इसमें कभी भी फ्रैक्शन को जब ऐड करेंगे तो हमें हर बार क्या होता है डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है, एलसीएम लेके किस तरह से सॉल्व करना है, इसके मैंने तीनों टाइप्स आपको समझा दिए, अगर 2 हो तो क्या करना है, 3 हो तो क्या करना है, अगर कुछ भी कॉमन नहीं हो तो उनका मल्टीप्लीकेशन होता है, अगर सारा का सारा कॉमन है तो वही नंबर एलसीएम होता है, और लास्ट में आपको बताया जो यूनिवर्सल रूल है कि सबसे बड़े नंबर को देखते हैं और उसका पहला ऐसा मल्टीपल जिससे बाकी सारे नंबर डिवाइड होते हैं वही आपका एलसीएम, ठीक है। तो ये हमने बेसिक्स देखा है फ्रैक्शन का, अभी आने वाले 2-3 क्लासेस में हम उसके अलग अलग जो वेरिएशन होते हैं वो भी देखने वाले हैं।
चलिए आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। तैयारी कीजिए, जम के तैयारी कीजिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।